नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ गणेश भगवान की मूर्ति के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कभी भी शुभ कार्य किया जाता है तो भगवान गणेश की पूजा से ही किया जाता है। भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उसके बाद स्थापना करते हैं, कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं। यदि हम अपने घर के मेन गेट पर भगवान गणेश के जोड़े की मूर्तियाँ लगाते हैं तो इससे घर में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, समृद्धि आती है। और कहते हैं कि भगवान गणेश की तस्वीर लगाने से आपके खुद भगवान ही पालनहार हो जाते हैं। कहा जाता है कि आप दाहिनी तरफ सूंड वाले भगवान की मूर्ति कभी ना लगवाएं, क्योंकि वह सही नहीं रहती आपकी। आज जानेंगे कि किस तरह की मूर्तियों का घर में प्रयोग करना चाहिए। नंबर एक, यदि आप मेन गेट पर भगवान गणेश की तस्वीर या फोटो लगाते हैं तो इससे आपके घर में कोई बुरी शक्ति या नकारात्मक कोई भी शक्ति नहीं आती। कहते हैं भगवान गणेश की तस्वीर लगाने से ही वह सब चीज़ें घर से दूर हो जाती हैं और आपके घर में समृद्धि लेकर आती हैं। और कहते हैं कि भगवान गणेश खुद ही आपके पालन बन जाते हैं। पालक का मतलब है कि वही आपके पालनहार हो गए हैं, वही आपको खुशियाँ देंगे और समृद्धि और धन भी आपके घर में लेकर आएंगे। भगवान की मूर्ति आप जोड़े के रूप में लगाएं, और जोड़े के रूप में इसलिए लगाएं ताकि वह आपके घर में समृद्धि लेकर आए। कहते हैं यदि आप भगवान गणेश की तस्वीर या फोटो मेन गेट पर लगाते हैं तो उनका चेहरा आपके मेन गेट पर होना चाहिए और विपरीत हिस्सा बाहर की साइड होना चाहिए, और उसके पीछे कोई भी कमरा नहीं होना चाहिए। कहते हैं यदि अगर गणेश भगवान के पीछे ही कोई कमरा होता है तो इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। यदि आप मूर्ति के जोड़े को शोकेस में रख रहे हैं तो शोकेस में रखने से पहले ये बात ध्यान रखें कि उन मूर्तियों के बीच में 1 इंच का डिस्टेंस रखना जरूरी है। मूर्तियों के बीच में शोकेस में उन मूर्तियों को रख रहे हैं तो उन मूर्तियों के बीच में एक थोड़ा सा गैप रखें और मूर्तियों को इस तरह से स्थापित करें ताकि गैप हमेशा ही बना रहे। भगवान गणेश की मूर्ति जहाँ रखते हैं वहाँ किसी भी प्रकार की चमड़े की वस्तु ना रखें। वह मृत जानवरों की खाल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए चमड़े की वस्तु भगवान गणेश की मूर्ति से अलग रखें, क्योंकि यह आपके घर में बहुत सारी समस्याएं और बाधाएं लेकर आ सकता है। यदि आप भगवान गणेश की मूर्ति खरीदने गए हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि आप भगवान गणेश की मूर्ति वही लें जिनकी सूंड या तो हवा में होनी चाहिए या सीधे हाथ पर होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप दाहिने हाथ पर सूंड वाले भगवान गणेश की तस्वीर या फिर मूर्ति लेकर आते हैं तो वह उसके लिए एक विशेष पूजा रखनी होती है। वो घर पर नहीं की जा सकती क्योंकि आपके घर में वह चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान गणेश की कभी भी मूर्ति लेने जाएं तो वह खासकर सूंड का ख्याल ज़्यादा रखें। तो ये है वह कारण, यदि आप भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति लेने जा रहे हैं तो ध्यान करके इन पॉइंट को ज़रूर नोटिस कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।